ओके क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, ठीक है ना, ध्यान से सोचो बहुत ज्यादा। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस इज इक्वल टू पाई बाय टू। बट एक और देखो, कुछ और सिंपल तरीका अगर हमें मिल जाए, यहाँ पे आपने साइन इनवर्स कॉस एक्स, ओके, आपको एक फॉर्मूला जरूर पता होगा, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एक्स होती है। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन, ओके। अब यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ पे है कॉस। अब इस कॉस को मैं कैसे साइन में कन्वर्ट करूं, ये मुझे सोचना है, ठीक है ना। इस कॉस को मैं कैसे साइन में कन्वर्ट करूं, तो बस हमारे पास कॉर्डिनेट फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कैन राइट, लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, बाय द फॉर्मूला ऑफ साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इज द क्वाड्रेंट फॉर्मूला। तो इसका मतलब मैं कॉस एक्स को भी क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स को भी मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए बेटा, यहां से इससे ये रिमूव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स डीएक्स, सेपरेट करेंगे इनको, पाई बाय टू बाहर, वन डीएक्स माइनस एक्स डीएक्स, तो जो आप कैलकुलेट आंसर आएगा पाई बाय टू, वन का करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, दिस इज द सॉल्यूशन। राइट, ये आपका आंसर। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब ये कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन ए माइनस बी, ए माइनस साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, राइट। उसके बाद मॉडिफिकेशन करना है बेटा हमें, अभी क्या लाना है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी लाना, x माइनस ए और x माइनस बी, तो कैसे लाएंगे, वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ वी विल मॉडिफाई इट साइन x माइनस बी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी, यस या नो, बिकॉज जब हम इसको ओपन करेंगे, एंगल में मैंने चेंज किया, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो x से x कैंसिल, यहां से प्लस a और माइनस b यहां पे है, तो a माइनस b आएगा, नो प्रॉब्लम, अपॉन कॉस x माइनस a
and cos x minus b dx. Now we know very well the formula of cos a minus b. Sorry, sin a minus b formula, sin a cos b minus cos a sin b. Okay, sin a cos b minus cos a sin b. ये तो formula होता है बेटा. अब यहां से हम क्या करेंगे, ये formula use करेंगे. ये तो as it is sin a minus b. यहां से formula open करेंगे sin a in sin x minus b cos x minus a sin a cos b minus cos x minus b sin x minus a upon sin a cos b minus cos a sin b. a की जगह ये है, b की जगह ये है, upon cos x minus a cos x minus b dx, राइट बेटा. अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे. यहां से सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी सेपरेट करेंगे यहां से. व्हाट इज साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस cos x minus b sin x minus a upon cos x minus a cos x minus b dx, राइट बेटा. देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या. यस, cos x minus a कैंसिल cos x minus a एंड cos x minus b कैंसिल cos x minus b. तो व्हाट इज रिमेनिंग, यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां से देखेंगे बेटा. इसको मैं इरेज कर रहा हूं. यहां से देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, जब ये कैंसल हो गया बेटा तो यहां पे क्या बचा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी. तो व्हाट इज टेन x माइनस बी, ये तो पूरा इंटीग्रेशन है, ये तो सभी के बाहर है बेटा. टेन x माइनस बी डी एक्स, ओके. उसके बाद यहां देखिए माइनस ये साइन इससे कैंसिल हो गया, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस ए. तो टेन इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं, टेन x माइनस ए डी एक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम. नाउ ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी, यहां पे tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x का इंटीग्रेशन log sec x. तो क्या आ जाएगा, log sec x माइनस बी, log sec x माइनस बी माइनस log sec x माइनस a, ठीक है. तो अब log की प्रॉपर्टी प्लस सी जरूर लिख लेना. तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, यही है आपका सोल्यूशन, ओके. तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है. तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप. ये लॉग का मैंने आपकी एक आइडेंटिटी लगाई है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन, ठीक है बेटा. चेक करिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने इसको देखा, इसमें यहां से 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया एंगल में, यहां पे क्योंकि मुझे x माइनस ए x माइनस बी चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसको a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, क्योंकि यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको a माइनस बी ही मिलेगा, राइट है. फिर मैंने इसको सेपरेट किया,
सेपरेट करके पहले फॉर्मूला लगाया साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर मैंने इसको सेपरेट किया तो मुझे टेन एक्स माइनस बी और टेन एक्स माइनस ए मिला। टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स होता है, ठीक है, तो मैंने यहां से इसको इस तरह किया। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच।